राधे राधे दोस्तों, आपने काफी बार लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये सवाल करते देखा होगा कि श्री कृष्ण तो साक्षात परम भगवान है, उन्होंने उन्हें पालने वाले माता पिता नंद जी और यशोदा माता को हमेशा खुद से दूर क्यों रखा, क्यों उन्हें द्वारका बुलाकर द्वारका के शाही राज परिवार में शामिल नहीं किया, क्यों उन्हें वृंदावन में ही अपने पुत्र कन्हैया के विरह में रोते हुए छोड़ दिया। आज हम वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र के जीवन के इसी रहस्य का सच आपको बताएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण अपने प्रिय माता पिता नंद जी और यशोदा माता को द्वारका क्यों नहीं लाए, इसका कारण श्री कृष्ण का जीवन ध्यान से समझने पर आसानी से समझ आता है। श्री कृष्ण का द्वारकाधीश रूप श्याम सुंदर के ऐश्वर्य रूप को दर्शाता है, जो उनके वृंदावन वाले मधुर ग्वाल बाल रूप से काफी भिन्न है। द्वारकाधीश रूप में श्री कृष्ण धर्म स्थापना हेतु धर्म युद्ध करवाते हैं। ये श्री कृष्ण राजनीति और कूटनीति के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं। श्री कृष्ण अब ऐसे ऐसे दुष्टों का सामना करते हैं जिनसे जीतने के लिए उन्हें भी छल का उत्तर छल से देना पड़ा। ऐसी दुनिया भला भोले ब्रजवासियों को कैसे सुहाती, वृंदावन और यहाँ के लोग तो है ही प्रेम के पर्यायवाची। भोली यशोदा माँ अपने कान्हा को इस रूप में कैसे देख पाती, उनके लिए तो भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन के ग्वाले वाला माधुर्य रूप ही सब कुछ है। इसी कारण श्री कृष्ण यशोदा माँ और नंद बाबा को वृंदावन में ही रखते हैं और अपने जन्म देने वाले माता पिता माता देवकी और वसुदेव जी तथा अपने पालक माता पिता नंद जी और यशोदा माता के प्रति समान रूप से और सर्वश्रेष्ठ तरीके से अपने पुत्र कर्तव्य का पालन किया। श्री कृष्ण इंसानियत के आदर्श है, उनका हर रूप हर कार्य सिर्फ श्रेष्ठ और सर्वोत्तम ही होता है। प्रभु श्री कृष्ण की लीलाएं बेशक देरी से समझ आए पर होती वो सदा सर्वदा सबकी भलाई के लिए ही है। श्री कृष्ण कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अगर आप कुछ रोचक तथ्य जानकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ें। हमारा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई रोचक वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।